भाजपा प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने आज दौसा में भाजपा कोर कमेटी की बैठक ली। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा हर चुनाव को चुनौती मानती है, लोक शिक्षण प्रबोधन करते हुए वोट बटोरती है, समाज को बांटकर वोट बटोरने की नीति भाजपा नहीं अपनाती। इसी नीति को लेकर भाजपा लोगों के बीच जाती है और अपनी बात रखती है और वोट मांगती है। उन्होंने ईडी और इनकम टैक्स पर कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और काम करता रहेगा। जिसने भी अपराध किया उसे सजा भी मिलेगी, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, चुनाव हर किसी चुनाव को चुनौती मानने वाली हमारी पार्टी है और हम जनता को जाकर अपनी चीज़ों को बताने के आधार पर लोक शिक्षण प्रबोधन करके वोट बटोरते हैं। समाज को बांटकर वोट बटोरने वाली वोट बैंक की पॉलिटिक्स हमारी नहीं है और इसलिए हम परिश्रम करते हैं और लोगों को हर समय जाकर मिलकर अपनी बात को बताते हैं। तो इसीलिए हमारे सारे नेता विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, मतदाताओं को मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित।